Hi everyone, you can easily get those 4 marks of syllogism if you watch this video carefully. So in this video, I'll be explaining you some important tricks through which you can solve syllogism in just 2 minutes. Plus, we'll be solving previous year question papers which are very important for your syllogism part. So let's start. So for the syllogism questions, you need to understand that aapke jo question aate hain syllogism mein aapke do tarike ke aate hain. Pehla aapka aata hai Venn diagram ke through, jo ki maine aapko hamari previous video mein theek se pura explain kar diya hai. We have told you 4 important tricks jo ki aapke liye bahut important hai Venn diagram ke liye. Aur aapka jo dusre pattern mein aata hai question, wo aapka aata hai logical opposition se, jisme aapko 4 laws yaad karna bahut zaruri hai, which are very important. So these 4 laws are contrary opposition, contradictory opposition, sub-contrary opposition and subaltern opposition. तो यहाँ पर आपको question कुछ इस तरीके से आएगा, आपको इन चारों में से किसी की statement दे देंगे, इनकी definition दे देंगे and आपसे बोलेंगे कि कौन से proposition सही हैं. तो जैसे कि मैंने आपको last video में बताया था, आपके propositions में जो statements आती हैं, वो 4 तरीके की आती हैं, that is all, no, some are not, and उनके symbols हैं A, E, I, O. Last video आप जरूर देखें, वहाँ पर आपको basic पता चलेगा कि मैंने आपको कैसे define किया है. So ये आपको propositions 4 ways में पूछा जाएगा, इनकी definition देके, and आपको बताना है कि कौन से 2 propositions सही हैं, because इन चारों laws में एक pair होता है जिसमें 2 propositions होते हैं, and आपको बताना है कि कौन सा वो एक pair है. इनमें आपको एक-एक pair मिलेगा जिसमें 2 प्रपोजिशन एक साथ होंगे, लाइक फॉर इंस्टेंस ऑल एंड नो का एक मैच है या फिर सम आर एंड सम नॉट का एक मैच है, तो वो आपको अभी लॉज के थ्रू पता चलेगा. सो इन द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंट्रारी अपोजिशन, यहां पर आपको देखना है इसकी स्टेटमेंट क्या है जिसके थ्रू आप गेस कर सके कि कौन से 2 प्रपोजिशन का मैच है. सो यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज प्रपोजिशंस कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट बोथ मे बी फॉल्स. तो इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्ररी अपोजिशन में जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो एक साथ सही नहीं हो सकते, बट वो एक साथ गलत हो सकते हैं. तो यहाँ पर आपका जाता है A to E में, that is all to no. तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ये डेफिनेशन, तो इसका मतलब है वो बात कर रहे हैं कॉन्ट्ररी अपोजिशन की, और आपको कौन से 2 मैच चूज करने हैं, दैट इज ऑल टू नो. फॉर एग्जाम्पल, ऑल बॉयज आर क्लेवर, No boys are clever. तो आपको जब भी क्वेश्चन में ये डेफिनेशन पूछी जाए, आपको वही समझ लेना है कि आपको बात करी जा रही है कॉन्ट्ररी अपोजिशन की, एंड आपका इसमें लॉ चलेगा A to E, दैट इज ऑल टू नो, जिसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. देन आपका आता है सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्ट्री अपोजिशन. इसमें आपका जो डेफिनेशन है, दैट इज प्रपोजिशन कैन नीदर बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम. यहाँ पर जो आपके 2 प्रपोजिशन हैं वो एक साथ सही भी नहीं हो सकते, एक साथ गलत भी नहीं हो सकते. इसमें आपका लॉ जाता है ऑल टू सम नॉट, और दूसरा आपका इसमें लॉ जाता है सम आर टू नो. आप अगर यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रोडिक्ट्री में आपकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको 2 पेड़ दिए हैं A टू O, I to E. या तो आपको एग्जाम में ये वाला दिया जाएगा या तो ये वाला दिया जाएगा. अब दोनों तो साथ आ नहीं सकते, बिकॉज आंसर आपका सही एक ही होगा. तो यहाँ पर आपका जो पेयर जाता है, दैट इज A to O में जाएगा और I to E में जाएगा, दैट इज ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, नो बॉयज आर इंटेलिजेंट. तो ये आपके 2 पेयर बन जाते हैं. जब भी आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाए, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्ट्री अपोजिशन की बात हो रही है, एंड उसमें आपके यही 2 पेयर लगते हैं, इनको ध्यान से याद कर लीजिए. देन आपका आता है लॉ ऑफ सब कॉन्ट्ररी अपोजिशन. इसमें आपकी डेफिनेशन जो है वो है, बोथ प्रपोजिशंस मे बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स. 2 प्रपोजिशन एक साथ सही तो हो सकते हैं, बट एक साथ गलत नहीं हो सकते. तो इसमें आपका जो फॉर्मूला जाता है, दैट इज आई टू ओ, विच मीन्स सम आर टू सम नॉट. इसमें आप देख ही सकते हैं कि ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, बट गलत नहीं हो सकते. सो यहाँ अगर आप देखें तो आपका फॉर्मूला जाएगा सम आर टू सम नॉट, जिसका एग्जाम्पल है सम मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट. आपका फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ सबल्टन अपोजिशन. इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं कॉन्ट्रोडिक्ट्री वाले पार्ट से, एंड इससे आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, आपके इनसे क्वेश्चन बहुत आए हैं. आपको हमेशा डेफिनेशन दे दी जाती है, आपको बताया नहीं जाता ये कौन से लॉ की बात कर रहे हैं. आपको डेफिनेशन दे दी जाती है, आपको पता करना होता है पहले ये कौन सा लॉ है, उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला पता करना पड़ता है.
तो लॉ ऑफ सबोल्टन अपोजिशन जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिडक्टिव मेथड का यूज होता है. अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें डिडक्टिव मेथड होता है अप्लाई, तो आप बताएंगे सबोल्टन अपोजिशन लॉ में. बिकॉज when the universal is false, the particular is doubtful. जब आप देखेंगे ये जो general इसमें दे रखा है, अगर वो ही doubt में है, वही कुछ गलत है, तो इसके अंदर से जो आ रहा है वो भी doubt में होगा. तो यहाँ यही use होता है deductive method में. A to I, E to O. अगर आपका पूरा ही doubt में है तो आपका ये भी doubt में जाएगा. अगर all girls are pretty है तो आपकी some girls भी pretty होंगी. अगर no girls are pretty है तो some girls are not pretty होंगे. तो A to I, E to O. तो ये आपके चार laws हैं जिनसे आपके question बनते हैं. यहाँ पर आपको basically definition दी जाती है जहाँ से आपको पहले पता करना पड़ता है ये कौन सा law है, whether it is contradictory law, whether it is subaltern law, whether it is contrary law. तो वहाँ से आपको फिर formula पता करना है, उसके बाद आपको apply करना है. Then comes your questions. ये आपके previous year question है जो कि आपके exam में पूछे गए, which are very important. So आपका पहला question है, among the following propositions, two are related in such a way that they can both be true, although they cannot be false. वो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते मगर सही हो सकते हैं. यहाँ पर आपको बताया नहीं है कौन सा लॉ है, आपको सिर्फ डेफिनेशन दे दी गई है. तो आपको पहले पता करना है ये कौन सा लॉ होगा. तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन सा लॉ कौन सा है. तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशन चार दी है, सम प्रीस्ट आर कनिंग, नो प्रीस्ट इज कनिंग, ऑल प्रीस्ट आर कनिंग, सम प्रीस्ट आर नॉट कनिंग. तो अगर आप यहाँ देखें ये डेफिनेशन जो है वो है सब कॉन्ट्ररी लॉ की. और यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, आपको जाना है फ्रॉम आई टू ओ. और फ्रॉम आई टू ओ के लिए आपका जो जाता है डैट इज सम प्रीस्ट आर कनिंग, सम प्रीस्ट आर नॉट कनिंग. मतलब ये दोनों साथ में सही हो सकते हैं, ये दोनों साथ में गलत नहीं हो सकते मगर साथ में सही हो सकते हैं, जो कि आप इजीली देख सकते हैं. सम प्रीस्ट आर कनिंग, कुछ प्रीस्ट जो है वो कनिंग है एंड कुछ प्रीस्ट जो है वो कनिंग नहीं है. तो आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर साथ जा रहे हैं और एक साथ सही भी हो सकते हैं. तो योर करेक्ट आंसर इज थर्ड. So your next question is, among the following statements, two propositions can neither be true or false at the same time. यहाँ आपसे बोला गया है कि दो प्रपोजिशन ना ही एक साथ सही हो सकते हैं ना ही एक साथ गलत हो सकते हैं, तो ये कौन सा है. तो यहाँ पर आपको फिर से आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, आपको इनकी जो लॉ का नाम है वो नहीं दिया है. आपको पहले लॉ का नाम पता करना है, फिर आपको पता करना है इनमें कौन सा लॉ जाएगा. तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्री की बात हो रही है. यहाँ किसकी बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट्री की बात हो रही है. तो यहाँ पर जो आपको लॉ जाता है डाटे ए टू ई, मतलब ऑल टू नो में जाएगा सीधा. आपको सिम्बल्स भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ए क्या सिंप्लीफाई करता है, ई क्या सिंप्लीफाई करता है, आई क्या सिंप्लीफाई करता है एंड ओ क्या सिंप्लीफाई करता है. सो यहाँ पर आपका जो जा रहा है दैट इज ए टू ई, उसका मतलब है ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स, नो फिलोसोफर इज अ पोएट. दैट इज या तो सारा है या तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक साथ सही भी नहीं हो सकते गलत भी नहीं हो सकते. तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर है ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स, नो फिलोसोफर इज अ पोएट. तो यहाँ आपका आंसर नंबर टू सही है. तो ये आपके जो लॉ ऑफ अपोजिशन है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हर साल आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इनसे जरूर आता है. एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा वीन डायग्राम से और एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा इनसे, आपका इनसे दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो आप अगर ये सॉल्व कर लेते हैं आपके चार मार्क्स पूरे बन जाते हैं फॉर योर नेट एग्जाम फ्रॉम सिलोजिज्म. सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.